हमारे साथ SDRF का हेड है, उनसे हम बात करेंगे कि कल से आए हैं, उनके द्वारा क्या क्या अभी तक काम किया गया जो अभी तक डेथ बॉडी का रिकवर नहीं किया गया। सर अपना पहले परिचय दीजिएगा। मैं सब इंस्पेक्टर CG सिंह हूँ जी, मधेपुर से आया हूँ। अच्छा सर, यहाँ का ग्रामीण का कहना है और परिवार वाले को कहना है कि कल से आप लोग आए हैं, आपका टीम काम कर रहा है, पर कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा ताकि डेथ बॉडी को रिकवर किया जाए। नहीं, अभी डेथ बॉडी क्या होता है कि इसमें करंट ज़्यादा है जी। जब डूबा हुआ उधर हमारा भी बोट नहीं रुक पा रहा है और खुद भी, अब उस करंट में किस साइड में गया है डेथ बॉडी, अभी उसी को हम तो छानबीन कर रहे हैं। ये लोग खुद ही देख रहे हैं, यहाँ तक नहीं जाना चाहिए वहाँ तक भी हम लोग जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको भी दिखा रहे हैं जी। अभी डेड बॉडी कहाँ पर है, किस हालत में है, जब बाहर को आएगा तभी तो हम लोग उसको रिकवर कर पाएंगे। यहाँ तक प्रयास है, हमने काफी कर रहा है कल से, अभी तक देख ही रहे आपके सामने कब हम लोग उतरे, कब क्या करवाई। अच्छा सर, इन लोगों का कहना है कि आप लोग आए हैं कल से, पर कोई भी पानी के अंदर डूब के देख नहीं रहे, गोता लगा के देख नहीं रहे कि कहाँ पे गिरे हुए हैं या दबे हुए हैं या इस टाइप में कुछ। नहीं नहीं, गोताखोर ठीक है, हमारा वैसा होता तो हम मंगाएंगे, हमारे पास तो नहीं, लेकिन ये गोताखोर का जगह नहीं, वो अस्थाई पानी स्मूथ पानी में होता है, जहाँ पर बोटे नहीं रोक रहा है, आदमी ही नहीं रोक रहा है, तो अंदर जाएगा कैसे। कई एक इसमें ऑप्टिकल आता है, उसको देखते हुए हम सब कुछ कार्रवाई करते हैं। हमको इसी का करते हुए कितने साल हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम दौड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्या अथक प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये बॉडी रिकवर नहीं होता है। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है कि डेथ बॉडी यहाँ से आगे निकल गया होगा कि इसी जगह दबे होंगे, इस टाइप में कुछ। नहीं, दबा तो नहीं होगा, जो करंट के अनुसार दबा तो नहीं है जी, करंट आगे लेकर कहाँ फेंका है, किस साइड में डाला है, अभी उसको अभी देख ही रहे हैं कि शाम तक क्या रिजल्ट आता है। तो सर, जैसे कि आप मान के चलिए अभी आप काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे, आज शाम तक अगर डेथ बॉडी नहीं मिला उसके बाद आप लोग रेस्ट में जाएंगे, फिर आप कल काम करेंगे, तो इसके बाद क्या कल भी काम करेंगे कि आप लोग रिटर्न हो जाएंगे। अभी आगे तक हम हाई फॉर्मेशन से पता करते हैं, हम अपने मर्जी से कुछ नहीं करवाई करते जी, ऊपर हाई फॉर्मेशन बताता है और बॉडी 24-36 घंटे में निकलना चाहिए, नहीं निकल रहा है इसका मतलब कहीं दब गया होगा मिट्टी में या किसी कारण से क्या हो गया, तो बाद में पता चलेगा शाम तक क्या। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सर डेथ बॉडी को रिकवर कर इस जगह पे, यहाँ पे इतना बहाव है, करंट है नदी में, तो डेथ बॉडी को रिकवर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं, इतना करंट कहीं ना कहीं बॉडी तो निकलना चाहिए, निकलेगा, ऐसे हम थोड़ी बोल पा रहे हैं कि नहीं निकलेगा, बॉडी है तो निकलना चाहिए, निकलेगा, और लेट हो रहा है, सवेर होता निकलेगा। अच्छा एक चीज़ और सर, कि जैसे कि यहाँ पे डेथ बॉडी भी नहीं मिल पा रहा, और एक नाव भी था, बोर्ड नाव था, तीन बाइक है, जो इस तीन चीज़ों में अभी तक कुछ में भी हाथ नहीं लगा, आप लोग उनके इसके बारे में क्या बोलेंगे। किस में? बोर्ड नाव भी डूबा हुआ है, अंदर दबा हुआ है, कहाँ है अभी तक आप लोगों को भी पता नहीं, हम लोगों को भी पता नहीं, तो इस बारे में क्या, जो तीन चीज़ जैसे बोर्ड नाव, मोटरसाइकिल और डेथ बॉडी, अभी तो हम डेड बॉडी को ढूंढ रहे हैं, उसको महत्व है, ये तो सूखेगा इनको अभी, वो उसका हमारा तो वो भी हम ढूंढ नहीं पाएगा ना खींच पाएगा। और सर ग्रामीण को कहना है कि अगर मान के चलिए मोटरसाइकिल के चाहे एक्सीलेटर हो, ब्रेक हो, उसमें उसका कपड़ा फंस गया हो या वही मोटरसाइकिल के साथ अंदर दब गया हो, कैसे फंस, ग्रामीण वो देख रहा है कि उधर डूबते हुए दो आदमी देख रहा है, अब उधर फंस गया, ये क्या मतलब है। अच्छा चलिए, तो सब आप लोग ऐसे बोल रहे हैं।